हाय आज हम बनाएंगे आलू पराठा वो भी चावल के आटे से चावल के आटे से रोटी पूरी पराठा बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर रेशियो और प्रॉपर टिप्स के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये पराठे बनेंगे तो वही रेशियो और टिप्स के साथ आज के ये वीडियो बनेंगे तो बिना स्किप किए वीडियो पर बने रहे पराठे बनेंगे बिना फटे बिना टूटे बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा दिन भर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और आपके अपने चैनल सॉल्ट एंड टर्मरिक को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा हेलो दोस्तों वेलकम टू तो माय चैनल सॉल्ट एंड टर्मरिक तो शुरू करते हैं रेसिपी ये देखिए ये मैंने एक महीन सा ग्रेटर ले लिया है तो हमें महीन सा ग्रेटर ही यूज़ करना है मोटा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है जी हाँ मेरे पास बड़ा वाला ग्रेटर है लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो हमें एक कप के करीब ग्रेटेड आलू चाहिए ये देखिए और उसी के साथ धनिया का पत्ता अदरक और हरी मिर्च चाहिए तो अभी देखिए एक कढ़ाई में मैं यहाँ पे डेढ़ कप पानी ले लूँगी आपको जो पार्टिकल्स दिख रहा है ना वो थोड़ा बहुत आलू ग्रेटेड गिर गया था ये है अजवाइन हम थोड़ा अजवाइन दे देंगे टेस्ट में भी इन्हेंस होगा और डाइजेशन में भी अच्छा होगा नमक भी डाल देंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे तो अच्छे से इसमें बॉयल आ जाना चाहिए देखिए तो अभी हम इसमें जो आलू था ग्रेटेड वो हम डाल देंगे तो हमारा फ्लेम मीडियम होगा इसको हम मिला देंगे और इसको हिला हिला के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो इसमें बॉयल आ जाने के बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे और थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके इसको होने के लिए मतलब थोड़ा बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे आलू अच्छे से बॉयल हो जाना चाहिए अराउंड सेवन मिनट्स तक हमें इसको होने के लिए छोड़ना है लो फ्लेम में ठीक है देखिए तो हमारा ये आलू बिल्कुल बॉयल हो गया है अच्छे से नरम हो गया है अभी हम इसमें वन एंड हाफ़ कप ये चावल का आटा डाल देंगे तो इसमें और पानी हम नहीं डालेंगे चावल का आटा डाल देंगे तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा जगह जगह का चावल का आटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो थोड़ा सा पानी के क्वांटिटी में फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा तो पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो आप इसी रेशियो से बना के देखिए तो अगर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगा तो इस टाइम पर मेरा फ्लेम बिल्कुल मीडियम होगा मीडियम टू लो होगा ठीक है सॉरी लो होगा हमारा फ्लेम तो ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी कोरिएंडर लीव्स डालने के बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसको कवर करके दस से तेरह मिनट तक रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए ख्याल रहे कि हमारा आटा का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठंडा नहीं होना है ये थोड़ा सा गर्म ही रहना चाहिए मतलब हाथ डालने से लगेगा कि उफ हाथ जल रहा है उस तरह का होना चाहिए तो इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे और जितना भी आटा चाहिए थोड़ा थोड़ा डाल डाल के हम हमें इसको अच्छे से गूँथना है ख़्याल रहे कि ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो ठंडे पानी में हाथ डुबो डुबो के आपको ये करना पड़ेगा नहीं तो हाथ में जलन हो सकती है तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा लचक वाला एकदम आ, गुथा हुआ आ, होना चाहिए हमारा आट, आटा और हम बेलेंगे या कुछ भी करेंगे ना वो आटा बिल्कुल कवर ही होना चाहिए नहीं तो ऊपर से वो ड्राई होने के चांसेस है तो हम एक बड़ा सा लोई ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पराठा बना रहे हैं थोड़ा और याद रहे कि हमको आटा थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ठीक है और बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है ये देखिए आप जितना भी बड़ा करें ये फटेगा नहीं कुछ भी नहीं होगा आप जितना भी इसको बड़ा करें तो क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं बिल्कुल पतना पतला नहीं करना है इसको थोड़ा सा मोटा रखना है जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं तो देखिए इसका शेप उतना गड़बड़ तो हुआ नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको एकदम प्रॉपर सर्कुलर शेप में चाहिए तो ऐसी एक कटोरी ले लीजिए तो उसी तरह से इसको प्रेस करके काट लीजिए देखिए ये परफेक्ट शेप आ गया और यहाँ पे फटने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि आलू का जो स्टार्च होता है इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट और लचक ला देता है बाइंडिंग हो जाता है इसमें ठीक है तो इससे काम करना बहुत इजी हो जाता है और चलिए फ्राई कर लेते हैं ये जो फ्राई करेंगे जब तो तवा थोड़ा मीडियम हीट होना चाहिए बिल्कुल धुएँधार हीट नहीं होना चाहिए ये सब टिप्स है आपके लिए तो ये सब कुछ फॉलो करके आप बनाना और क्या करेंगे मीडियम फ्लेम में हम ये पराठे को दोनों साइड पहले अच्छे से सेक लेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेता है एकदम नॉर्मल आटे के पराठे की तरह फटाफट नहीं होगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फर्स्ट टाइम डालने के बाद इमीडिएटली उसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी स्प्रेड कर देना है उससे क्या होगा ये बिल्कुल ड्राइनेस नहीं आएगा इसमें और फटेगा भी नहीं पर हम अगर ज़्यादा आलू डालेंगे तो ये पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें और भी स्टार्च रहेगा और ये पानी आ, को पकड़ के रख सकता है और उसमें बाइंडिंग अच्छा खासा रहेगा तो उलट पुलट के हम जैसे करते हैं तो हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है हाँ लेकिन दोनों साइड जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद जब आप घी से कर रहे हैं या तेल से इसको पलटा रहे हैं तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं अब देखिए इसको स्टोर इस तरह से करना है कि पहले आप एक सूती का कपड़ा रखें फिर उसमें ये गरम गरम पराठे रखें फिर एक सूती का कपड़ा रखें फिर कवर कीजिए उससे क्या होगा ये जो देखिए वेपर इसमें जमा हुआ है ना तो वो रिटेन रहेगा और डायरेक्टली पराठे के ऊपर नहीं आएगा तो वो गीला हो जाएगा पराठा तो इसीलिए हम सूती का कपड़ा डालने के बाद वो डाल रहे हैं और इसमें ह्यूमिडिटी एकदम रिटेन रहेगा तो इसी कारण वो सॉफ्ट रहेगा और फटेगा बिल्कुल नहीं टूटेगा बिल्कुल नहीं तो मैं इसको सर्व कर रही थी परवल और आलू के दम के साथ बहुत ही मज़ेदार बना था देखिए हम ये रोल भी बना रहे हैं ये बिल्कुल नहीं फटेगा आपको कहीं से फटा हुआ नहीं दिखेगा ये तभी फटेगा अगर कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला बना हो तो ही ये फटेगा नहीं तो दिन भर ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा ये आपको खा के बिल्कुल मज़ा आने वाला है और आप इसको एक थो थोड़ा बहुत आप इसको थोड़ा स्पाइसी कोई भी साइड डिश के साथ सर्व करें नहीं तो आप गर्मा गर्म चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं शाम की चाय के साथ बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इसमें आलू है इसका अच्छा एक फ्लेवर भी आएगा अजवाइन और अदरक के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनेगा तो आप भी इसको एक बार बनाइए तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे दिए गए लाइक बटन को बिल्कुल दबा दीजिएगा आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग